Hello friends, once again welcome to my channel B&F and F Benefit Feature and Function. एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज मैं जिस चीज के बारे में आपको यहाँ पे बेनिफिट फीचर और फंक्शन बताने जा रहा हूँ वो पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मॉडल नंबर इज NA-F70B5HRB है. B5 का यहाँ पे मतलब है कि ये B5 सीरीज का नाम है जो कि पैनासोनिक की टॉप लोड 7KG वॉशिंग मशीन की सीरीज है और यहाँ पे मैं आपको इस वॉशिंग मशीन के बेनिफिट फीचर और फंक्शन बताने जा रहा हूँ. अगर आप ये वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो ये वॉशिंग मशीन आपने कैसे यूज करनी है और इसके फीचर्स क्या है और बेनिफिट आपको क्या है और कैसे आपने इसको यूज करना है, किस तरीके से आपको एज अ सेमी और एज अ फुली भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. आइए तो मैं लेके चलता हूँ आपको पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन की तरफ. फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये पैनासोनिक की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो कि ये मशीन आप देख रहे हो, इसका मॉडल नंबर है NA-F70B5HRB. B5 का यहाँ पे मतलब है कि ये B सीरीज है पैनासोनिक की. और इस वॉशिंग मशीन को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या फंक्शन है और इसके आपको क्या बेनिफिट है. पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैनासोनिक की ये वॉशिंग मशीन है इसको आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि ये पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन के जो RPM है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्पिनिंग स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है. दूसरा, इसकी जो वॉशिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये तीन तरीके के जो सिस्टम यूज करती है वो है, एक इसमें बीट स्क्रू है, बीट टाइड है और बीट फ्लैश है. बीट स्क्रू क्या करता है कि वो कपड़े को रोटेट करता है, बीट टाइड भी कपड़े को रोटेट करता है और बीट स्क्रू पानी में भंवर भी पैदा करता है और बीट फ्लैश है जो कपड़े को ऊपर से पानी देता है ताकि कपड़े हैं जो बीच में से में भी सूखे ना रहे, ऊपर से भी सूखे ना रहे और उनमें जब रिंसिंग के टाइम है वो किसी भी प्रकार का उनमें सर्फ वगैरह वो डिटर्जेंट ना बचे. इसी प्रकार से ये मॉडल मैंने आपको जो से दिखा चुका हूँ NA-F70B5 सीरीज है. और अब इस मशीन को मैंने जैसे ऑन कर दिया है तो इसमें आप देख रहे हो कि इसकी जो LED डिस्प्ले लाइट है वो रेड है और इस वॉशिंग मशीन के ऊपर ये जो आप लीड देख रहे हो ये टफन एक्वा क्रिस्टल ग्लास टफन लीड है जो कि अनब्रेकेबल ग्लास होता है और ये काफ़ी मजबूत है और ये एक स्मूथली ओपन होता है क्योंकि इसको जहाँ से हम क्लाई मोड़ते हैं वहाँ से इसको ओपन किया गया है. जैसे बाकी कई कंपनी में जैसे IAB होगी, LG होगी, सैमसंग वगैरह में ऐसे नहीं होता है. एक्वा क्रिस्टल ग्लास लगा हुआ है जो कि टोटली ट्रांसपेरेंट और टफन एक मजबूत ग्लास है और ये देख रहे हो आप, अगर कलाई आप मोड़ते हो तो ये रोटेट होती है जिससे के लिए अगर लेडीज वगैरह इसको यूज करती है तो ये काफी इजी रहता है. गेट को अगर आप सीधा आसानी से कर सकते हो. और दूसरा, इसके बाद में मैं बता देता हूँ, इसमें जो ड्रम आप देख रहे हो स्टेनलेस स्टील ड्रम और ये सज्जनामी ड्रम है और इसके साथ आपको मिल रहा है एक वाटर इनलेट पाइप और एक बुकलेट और एक ड्रेन पाइप. और इसमें जो पल्सेटर पैनासोनिक ने यूज किया वो एक्वा वे पल्सेटर है, स्टेनलेस स्टील प्लस प्लास्टिक मिक्स है जिसको कि एक्वा वेव पल्सेटर बोला जाता है. ये बीट स्क्रू है जो कि कपड़े में भंवर पैदा करता है. इसके अलावा मैं आपको बताया तो ये बीट टाइड है और इसमें ये स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है एक्वा वेव पल्सेटर. और इसमें ये बीट फ्लैश है जो कि कपड़े को बीच में से पानी देता है और कपड़े को ऊपर साइड में भी रोटेट करता है. ये तीनों मिलके कपड़ों को 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं. ये इसका इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैसेट लिंट फिल्टर है जो कि अभी तक किसी भी कंपनी में नहीं आता, जिसको कि हम स्टोरेज लिंट फिल्टर भी बोल सकते हैं, स्टोरेज फिल्टर भी बोल सकते हैं, जिसमें कपड़े धोते वक्त जो कचरा वगैरह होता है वो स्टोर होता है. और इसका जो आप डिटर्जेंट अगर आप इसमें डालते हो तो लिक्विड यहाँ पे डाल सकते हो, ये सॉफ्टनर आपने डालना है तो वो भी वहाँ पे डाल सकते हो, सॉलिड आप ऊपर से भी डाल सकते हो. दूसरा, इसको आप एज अ सेमी और एज अ फुली चला सकते हो. जैसे प्रोसेस है वॉश, रिंस और स्पिन तीनों आप अलग अलग भी कर सकते हो अगर आप अपनी मर्जी से मैनुअल इसको चलाना चाहते हो तो. दूसरा, इसमें वाटर लेवल है, आप पानी भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, 20 लीटर है, 29 है, 32 है, 37 है, 42 है और 52 लीटर तक का है हाइएस्ट कैपेसिटी. दूसरा, इसमें आपको तीसरे इसमें ऑप्शन है डिले की, आप इसमें डिले टाइमर लगा सकते हो 2 से 24 घंटे का डिले टाइमर.
ताकि अगर आपने मशीन में वॉशिंग सुबह करनी तो रात को कपड़े डाल के आप टाइमर लगा सकते हो, तो आपकी मशीन ऑटोमेटिक चलने के बाद ऑटोमेटिक जीरो, जिसको रिजर्व या डिले टाइमर बोला जाता है। दूसरा इसमें प्रोग्राम है, 1 नॉर्मल 2 क्विक है, 3 डेलीकेट है, 4 शोक है, 5 बेबी केयर, 6 बेडशीट और 7 एयर ड्राई और 8 टब हाइजीन है। टब हाइजीन आपने महीने में एक बार करना होता है, जिससे कि आपके टब की अच्छी तरीके से सफाई हो जाए, और जो आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये पानी टाइम ऑटोमेटिक सेट कर लेगी। और अगर आपने गलत लगा दिया तो उसको भी आप सेट कर सकते हो, ऑन ऑफ करके दोबारा से आप प्रोग्राम दे सकते हो या रीसेट कर सकते हो। अगर आपने इसका कोई प्रोग्राम चलते में रीसेट करना है तो आप इसका ऑन ऑफ बटन और ऑन करने के बाद स्टार्ट और पॉज वाला बटन और प्रोग्राम बटन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। दूसरा ये ऑटो रीस्टार्ट है। ऑटो रीस्टार्ट का यहाँ पे मतलब है कि अगर वॉशिंग मशीन में आपने मान लो कपड़े डाल दिए, सर्फ डालने के बाद स्टार्ट कर दिए, मान लो 15 मिनट हो गए हैं चलते हुए और आधा 30 मिनट का प्रोसेस, अगर लाइट चली जाती है, लाइट आने के बाद 15 मिनट से ही दोबारा, 17 मिनट से दोबारा चलेगी, ओनली 2 मिनट बेक जाएगी। उससे कि क्या है कि जब आपके कपड़ों की सफाई अच्छी हो जाए। कुल मिला के देखा जाए तो ये पैनासोनिक की काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है। इसमें एक हाई क्वालिटी के फीचर और फंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा, प्लस आप फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि मैं मेरी वीडियो को इम्प्रूव करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे या आपके लिए किसी भी तरीके से आप मेरी वीडियो यूजफुल नहीं है तो आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। और एक और मैं आपको बात बताई, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरे चैनल को, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके से मेरी वीडियो में कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे फीडबैक दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें काफी इंप्रूव करे। ओके थैंक यू सो वेरी मच। बी एंड एफ प्रेजेंटेड बाय भूपिंदर सिंह।